हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस बॉय की ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों हर ऑफिस में ऑफिस बॉय होते हैं। दोस्तों बिना ऑफिस बॉय, पेंट्री बॉय, हाउसकीपिंग के बगैर किसी ऑफिस में दोस्तों आप देखते हो कि वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए हाउसकीपिंग चाहिए, चाय पानी के लिए पेंट्री बॉय चाहिए और ऑफिस बॉय भी ज़रूर चाहिए। दोस्तों ऑफिस बॉय दोस्तों मैं भी हायर करता हूँ, हमारे पास भी 20 से 25 ऑफिस बॉय चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में जॉब करते हैं। दोस्तों ऑफिस बॉय का क्या काम होता है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट दोस्तों आउटडोर इंडोर। दोस्तों हर ऑफिस में कैबिन होते हैं या ऑफिस में अपने अपने कैबिन होते हैं या रूम होते हैं ऑफिस में। दोस्तों ऑफिस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वहाँ पे दोस्तों फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पे, कोई दोस्तों मैसेज पास करने का काम एक ऑफिस बॉय का होता है, कोई दोस्तों किसी बैंक में जाना हो वहाँ कोई चेक जमा करवाना हो या कोई कोरियर करवाना हो कोई डॉक्यूमेंट या कहीं से कोई डॉक्यूमेंट लेकर आने हो या दोस्तों ऑफिस के सीनियर स्टाफ के द्वारा कोई काम हो बाहर का ऑफिस वर्क हो, दोस्तों ये सारे काम एक ऑफिस बॉय करता है। काम दोस्तों अंदर के ऑफिस के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों मान लो कोई सामान एक टेबल से दूसरे कैबिन में जाना हो या कैबिन से दूसरे कैबिन में जाना हो, कई बार दोस्तों ऑफिस स्टाफ के द्वारा कोई खाने पीने की चीज़ें भी मंगवा सकते हैं बाहर से। ये सारी चीज़ें दोस्तों जितना भी काम होता है एक ऑफिस बॉय का होता है, आउटडोर इनडोर का। दोस्तों पेंट्री, दोस्तों कई बार क्या होता है पेंट्री का काम भी दोस्तों ऑफिस बॉय करते हैं। कई बार दोस्तों पेंट्री बॉय जितने मान लो एक दिन ड्यूटी पे नहीं आए, मान लो पेंट्री बॉय ऑफिस में होते हो अब्सेंट हो, तो उसकी जगह दोस्तों ऑफिस बॉय ही वर्क कर लेते हैं, चाय पानी सर्व करनी हो स्टाफ में दोस्तों। और ऑफिस बॉय नज़र भी रखते हैं पेंट्री बॉय हाउसकीपिंग में, क्योंकि दोस्तों ऑफिस बॉय को ऑफिस में ही काम करना होता है। उसको पता, उनको जब भी ऑफिस बॉय अपनी ड्यूटी पे आता है सबसे पहले वही देखते हैं कि जो भी ऑफिस में टेबलें हैं, जो भी कंप्यूटर कंपार्टर, जो भी दोस्तों जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है और दोस्तों जो फाइलें रखी हुई है, अलमीरा होती है, वो सब जितने भी फर्नीचर होता है वो नेट एंड क्लीन है या नहीं है, ये काम दोस्तों ऑफिस बॉय का होता है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत काम कई बार पेंट्री से या हाउसकीपिंग के बंदे से कोई काम आगे पीछे हो जाता है तो उसकी सपोर्ट करता है दोस्तों ऑफिस बॉय। ये भी एक मेन काम होता है ऑफिस बॉय का। लॉजिस्टिक, दोस्तों कंपनी को सामान होता है दोस्तों, मान लो कोई कोरियर आना हो या कोई ट्रांसपोर्ट में जाना हो या दोस्तों किसी बैंक में जाना हो या किसी साइट पे सोसाइटी में जाना हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में दोस्तों कुछ सामान आ रहा हो उसकी देखरेख करनी हो, कोई दोस्तों कुछ चीज़ें बाहर से लेके आनी है, कुछ जमा करवानी है, दोस्तों सारे काम जितना भी सामान है सारा काम दोस्तों एक ऑफिस बॉय का होता है। यूनिफॉर्म, दोस्तों ऑफिस बॉय का जो यूनिफॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट यूनिफॉर्म दोस्तों ऑफिस बॉय नहीं लगता है, इसलिए दोस्तों मैं कुछ साइटों पे देखता हूँ कि ऑफिस बॉय यूनिफॉर्म में ही होते हैं। हर कंपनी दोस्तों अपनी अपनी ड्रेस होती है, वो कैसी भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन ऑफिस बॉय यूनिफॉर्म में होता है। ये भी एक मेन काम है कि ऑफिस बॉय को अपनी ड्रेस नेट एंड क्लीन रखनी होती है, क्योंकि दोस्तों उनका जो मैसेज पास करने का काम होता है यानी जो भी तालमेल होता है या जो भी काम होता है सीनियर स्टाफ के साथ ही होता है, सीनियर के साथ घुलना मिलना होता है, इसलिए दोस्तों सिक्योर एक ऑफिस बॉय को अपनी ड्रेस नेट एंड क्लीन भी रखनी होती है। यह भी एक काम होता है ऑफिस बॉय। दोस्तों अगला सैलरी, दोस्तों सैलरी जो ऑफिस बॉय की होती है, दोस्तों मैं चंडीगढ़ पंचकुला मोहल्ली की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पंजाब और हरियाणा में, तो ऑफिस बॉय की सैलरी दोस्तों 10,000 से लेके 15,000 रुपये के बीच में दोस्तों सैलरी होती है, 10 से 15 दोस्तों, और प्लस ईएसआई और प्लस पीफ प्लस वीकली ऑफ भी दोस्तों एक ऑफिस बॉय को मिलता है। महीने में दोस्तों 4 छुट्टी ऑफिस बॉय को मिलती है, अगर इससे एक्स्ट्रा छुट्टी करता है तो दोस्तों उसके पैसे सैलरी से कटते हैं। ये दोस्तों मैं ऑन ग्राउंड देखता हूँ, इसलिए सैलरी दोस्तों 9-10 हज़ार से 15,000 के बीच में होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों क्वालिफिकेशन। दोस्तों ऑफिस बॉय का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर करने होते हैं, हो सकता है कि कोई वाउचर बैंक का भरना हो या चेक डिपॉजिट करना हो या दोस्तों कोई और कुछ काम करना हो कंपनी का और कोई फाइल ढूंढनी हो, फाइल दोस्तों तभी ढूंढ सकता है बंदा जब पढ़ा लिखा हो, कितने नंबर है फाइल पर नाम लिखे होते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है हिंदी में भी दोस्तों, इसलिए ऑफिस बॉय का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम दोस्तों 10वीं पास ऑफिस बॉय को अवश्य पढ़ा होना चाहिए, तभी दोस्तों एक ऑफिस बॉय अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकता है। ये भी एक मेन काम होता है। अगला पॉइंट दोस्तों शिष्टाचार। दोस्तों ऑफिस बॉय का काम ऑफिस में ही होता है, वहाँ पे दोस्तों कंपनी के जूनियर सीनियर सारे स्टाफ बैठता है, वहाँ पे कंपनी का मालिक भी बैठता है, एचआर भी बैठते हैं और भी दोस्तों दूसरा स्टाफ होता है, तो ऑफिस बॉय की जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, जो बोलने का तरीका अच्छे ढंग से होना चाहिए, अच्छे ढंग से पेश आना होगा दोस्तों सीनियर स्टाफ के साथ। ऑफिस बॉय का दोस्तों अच्छे ढंग से बात करनी होनी चाहिए कि सीनियर के साथ कैसे बात करनी है, जूनियर के साथ कैसे बात करनी है,
यानी दोस्तों एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ऑफिस बॉय के अंदर, तभी दोस्तों एक ऑफिस बॉय अच्छे ढंग से किसी भी ऑफिस में ड्यूटी कर सकता है। एटीट्यूड दोस्तों हाइजेनिक, दोस्तों ऑफिस बॉय को जितना भी दोस्तों काम होता है ऑफिस में हाइजेनिक का विशेष ध्यान रखना होता है। साफ सफाई का दोस्तों किचन भी चेक करना होता है, टेबलें भी चेक करनी होती है, और दोस्तों ऑफिस में जितने भी खाने पीने चीज़ें सारी चीज़ों का दोस्तों हाइजेनिक साफ़ सुथरे चीज़ों का ये सब कुछ दोस्तों मैनेज करने का जो काम होता है एक ऑफिस बॉय का ही होता है। ऑफिस बॉय की ड्यूटी और भी होती है, मैंने आपको सबको मेन मेन पॉइंट बता दिए कि आउटडोर इनडोर बाहर अंदर का जो काम होता है, पेंट्री भी की हेल्प करता है ऑफिस बॉय, सामान बाहर से लेके आना हो या ऑफिस से कहीं बाहर दे के आना हो ये सारे काम होते हैं। यूनिफॉर्म दोस्तों यूनिफॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए ऑफिस बॉय। सैलरी दोस्तों 10,000 से 15,000 के बीच में होती है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।